तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन में बाइंग वर्सेस सेलिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑप्शन बाइंग में मार्जिन कितना लगता है, मार्जिन लो लगता है या हाई लगता है सार्थक? ऑप्शन बाइंग में लो लो लगता है, बिकॉज ऑप्शन में आपको क्या करना होता है, अगर बाय करना है तो प्रीमियम की वैल्यू पे करनी होती है, तो ऑप्शन की जो बाइंग की अगर 10 रुपए का कोई ऑप्शन है तो आपको 10 रुपए ही पे करने हैं, तो इसलिए हमेशा मार्जिन लो लगता है और सेलिंग में हमेशा हाई मार्जिन लगता है, यानी कि फ्यूचर का मार्जिन पूरा देना पड़ता है। अब हम बात करते हैं रिस्क इसमें ज्यादा होता है, सेलिंग में ज्यादा, सेलिंग में ज्यादा रिस्क होता है, बिकॉज अगर आप कोई 10 रुपए का ऑप्शन सेल कर रहे हो तो उसका कोई लिमिट नहीं है, वो 100 रुपए भी जा सकता है, 1000 भी जा सकता है, इसलिए सेलिंग में रिस्क ज्यादा होता है। प्रॉफिटेबिलिटी बाइंग में होती है, बाइंग में ज्यादा होती है, बिकॉज बाइंग में इसलिए ज्यादा है कि अगर 10 रुपए या 20 रुपए का ऑप्शन आपने बाय किया है तो उसकी जाने की ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं है, नीचे जाने को सिर्फ 20 रुपए ही है। ऐसी प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट किस में ज्यादा रहती है? ऑप्शन सेलिंग में, सेलिंग में ज्यादा रहती है 60%। तो गाइस अगर ये तीन चीजें फेवर में जा रही है उसके बाद भी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ऑप्शन की लेस क्यों है बाइंग की, वो इसलिए लेस है बिकॉज अगर आप कोई ऑप्शन सेल कर रहे हो, ऑप्शन सेलर अगर कोई चीज 10 रुपए की सेल कर रहा है 1.5 लाख रुपए लगा के, और वही बंदा 10 रुपए का ऑप्शन बाय कर रहा है सिर्फ 2500 रुपए लगा के बैंक निफ्टी का ऑप्शन, तो कौन जीतेगा? 1.5 लाख वाला ही विन करेगा, बिकॉज उसको पता है कि आने के लिए मेरे पास 10 रुपए ही है और जाने के लिए भी वो 10 या 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के उसको बैठ जाता है, तो इसलिए ऑप्शन विनिंग जो होती है वो मोस्टली सेलर की रहती है। ऑप्शन बायर जो है वो 10 रुपए का ऑप्शन बाय करके 50 रुपए का टारगेट लेके बैठता है, जो 50 रुपए आते कभी नहीं है, वो 10 रुपए जीरो ही होने हैं। तो गाइस इसलिए हमेशा सेलिंग की तरफ ध्यान दें, मार्जिन ज्यादा जरूर लगेगा लेकिन आप सेलिंग में हमेशा इनसाइड में रहेंगे। चलिए।